तहलका ने दी ऐश्वर्या को धमकी, नील भट्ट ने दिया ऐश्वर्या का साथ। वर्ल्ड सलमान खान के कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 17 के आज के एपिसोड में हमें देखने को मिला कि ऐश्वर्या शर्मा तहलका से शिकायत करती हुई नजर आती हैं कि उन्हें तहलका से ये उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह आज घर में नॉमिनेशन का टास्क होता है जिसमें तहलका ने ऐश्वर्या शर्मा को नॉमिनेट किया था, ये बात ऐश्वर्या को पता चल जाती है। वहीं तहलका जो है वो लगातार शो में ऐश्वर्या को अपनी बहन बोलते हुए नजर आए थे। ऐश्वर्या इसीलिए तहलका से नाराज नजर आती है और उनसे कहती है कि वो दोगले हैं, दो चेहरे वाले हैं। यहाँ पर तहलका जो है वो बाद में ऐश्वर्या शर्मा, नील भट्ट और घर के बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ बैठे होते हैं, जहाँ पर तहलका ऐश्वर्या से ये कहते हुए नजर आते हैं कि आपने जो गलत शब्द का इस्तेमाल किया है वो आइंदा मेरे साथ मत करना, मैं पहले तो 3 गलत वर्ड को ही सहता हूँ और उसके बाद मैं फट जाता हूँ। यहाँ पर तहलका कहते हुए नजर आते हैं कि ऐश्वर्या ने उन्हें जो दोगला वर्ड बोला है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, वो उन्हें यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए था। ऐश्वर्या जो है वो इस बात पे काफी ज्यादा तहलका से नाराज भी होती हुई नजर आती है, जिसके बाद नील भी ऐश्वर्या का साथ देते हुए तहलका से कहते हैं कि तू फट के दिखा। यहाँ पर ऐश्वर्या का पूरा साथ नील भट्ट देते हुए नजर आते हैं और कहते हैं आपने मेरी बीवी से कहा है कि आप उस पर फट जाएंगे, तो आप फट कर दिखाइए। यहाँ पर तहलका जो है वो फिर अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मेरा फटने का मतलब था कि अब मैं आर्गुमेंट करूंगा, लड़ाई करूंगा, आप इस पूरी कन्वर्सेशन को गलत मोड पर लेकर जा रहे हैं। इसके बाद तहलका से नील भट्ट कहते हुए नजर आते हैं कि आपने ऐश्वर्या को अपनी बहन माना था और आप अपनी बहन से इस तरीके से बात करते हैं। यहाँ पर नील भी जो है काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और तहलका से इसी बात को लेकर काफी ज्यादा आर्गुमेंट भी करते हुए नजर आते हैं, जिसके बाद ऐश्वर्या जो है वो नील को शांत कराने की कोशिश करती हुई भी दिखाई देती है। इसके बाद ऐश्वर्या भी जो है वो तहलका से कहती हुई नजर आती है कि आइंदा मुझे इस तरीके की धमकी बिल्कुल भी मत देना। ऐश्वर्या यहाँ पर ये भी कहती है कि मुझे भी धमकी देना आता है लेकिन मैं धमकी देती नहीं हूँ, मैं सीधा करके दिखाती हूँ, तो आइंदा इस तरीके की चीजें मेरे साथ तो बिल्कुल भी मत करना। पर आपका तहलका और ऐश्वर्या शर्मा की इस बहस पर क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।